नमस्कार प्राइम इश्यूले स्वागत स्टूडियो में पापरी और प्रथम तो खबर ढिंग निर्वाचन समदलत अंश ला वाहन दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटन गुरुतर आहत सात जनक युवक आहतर अवस्था संकटजनक जानवरा ढिंग समष्टि राइजर दल प्रार्थी महबूब मुख्तार रेलर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त ढिंग नवोदय विद्यालय सम्मुख रास्तार बगरी पड़े गाड़ी आहत कईजनक ढिंग एफ आर यूत भर्ती कर अवस्था संकटजनक नगाव में प्रेरण कर मोबाइल गाड़ी घर में गई आज युवक कई पुनः एबार कैसो ढिंग निर्वाचन समदलत ला वाहन दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटन गुरुतर आघातप्राप्त सात जनक युवक आहतर अवस्था संकटजनक जानवरा ढिंग समष्टि राइजर दल प्रार्थी महबूब मुख्तार रेलर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त संघटित ढिंग नवोदय विद्यालय सम्मुख रास्तार गाड़ी बगरी पड़े आहत कईजनक ढिंग एफ आर यूत भर्ती कर अवस्था अति संकटजनक जानवरा और नगावे इतिम्य प्रेरण कर आन ब्रेकिंग न्यूज बरपेटा रोड खैराबारी एक भयंकर पथ दुर्घटना संघटित दुर्घटना ठीक निहत बैक आरोही निहत लोक बक्सार काटाझारर जाहिदुल इस्लाम बाजे गांव माना रोड डम्पार और बैकर मुखामुखी संघर्ष पुनः कैसो बरपेटा रोड खैराबारी भयंकर पथ दुर्घटना संघटित दुर्घटना ठीक निहत बैक आरोही निहत लोक बक्सार काटाझारर जाहिदुल इस्लाम बाजे गांव माना रोड डम्पार और बैकर मुखामुखी संघर्ष है और तार मजते यह घटना संघटित एजन लोकर मृत्यु ये जी डाम्पार समूह प्रशासन छत्रछायत आम प्रशासन छत्रछायत ये कम कारण बरपेटा रोड इफाले गोबर्धना आरक्षी चकी थकार पिछतो इते अत्यधिक शिल बाली कढ़िया लो जेने धरणे डाम्पार समूह तीव्र गति प्रति दिनते ये रास्तार चलाचल कर सुरक्षित नए राइज इते गति के प्रशासन ऊर दाबी जानसूँ यार एक उचित तदंत हम लगे केनेकने डाम्पार समूह ये रास्तार चलाचल कर प्रति जी अनैतिक भावे डाम्पार समूह इतने चलाचल कर विहित व्यवस्था हम लगे और जालियातीरे बैंकर पर ऋण लो अर्थनैतिक अपराध अनुसंधान शाखार जालत पड़िल एगराकी व्यवसायी गुवाहाटी भंगागढ़ थानार अंतर्गत श्रीमंतपुर ग्रेप्तार कर प्रवंचक व्यवसायी आलालुद्दीन रहमान महानगर श्रीमंतपुर बासिंदा आलालुद्दीन रहमाने 2011 वर्षत शिलपुखुरी स्थित सेन्ट्रेल बैंकर पर ए एफ आर नाम व्यवसाय प्रतिष्ठान नाम 12 लाख टकार ऋण लय ऋण लिशरे आलालुद्दीन रहमाने धन आदाय दिया नासिल ए सन्दर्भत बैंक कर्तृपक्ष नथिपत्र समूह परीक्षा कर नथिपत्र समूह भुआ बुली धरा पेलाय घटना सन्दर्भत सेन्ट्रेल बैंकर आंचलिक महाप्रबंधक विवेक कुमार श्रीवास्तवे बीआईओत एखन एजहार दाखिल करे बैंक अफ इंडिया पर एफ आई आर लॉन्च करिसिले दैट वन पर्सन नेम अलाउद्दीन अहमद ही हैड चीटेड द बैंक बाय टेकिंग ही हैड अवेल्ड द लोन ऑफ मोर देन 12,90,000 इन 2013 बाय सबमिटिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स सो अकॉर्डिंगली केस वॉज रजिस्टर्ड और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वी हैव फाउंड दैट द डॉक्यूमेंट्स वेर फॉर्ज एंड आज ही मानुजनक আমার শ্রীমন্তপুর আমার আয়ুর যেহেতু অ্যাপ্রিহেন্ড করেছে হি হ্যাজ বিন প্লেসড আন্ডার অ্যারেস্ট অ্যান্ড ফরওয়ার্ডেড টু জুডিশিয়াল কাস্টাডি যেহেতু ফর্জড ডকুমেন্ট সাবমিট করে পেলাই লোন লইছিলে ইন দ্য প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন আদার থিংস উইল বি কামিং আপ ইয়েস ইট ওয়াজ রিলেটেড টু ল্যান্ড ডকুমেন্টস आन एक ब्रेकिंग न्यूज 31 मार्च भर सम्पन्न एनआरसी सको कम काज राज्य गृह विभाग गुरुत्वपूर्ण पत्र रेजिस्टर जेनेरल अफ इंडिया एनआरसी उन्नयन नाम अतिरिक्त धन व्यय नक केन्द्र अतिरिक्त कर्मचारीक अब्याहति दियार निर्देश दिया सरकारी कर्मचार जरिए एनआरसी उन्नयन निर्देश दिया 1600 कोटी निर्धारित धन काम शेष कर निर्देश दिया प्रयोजन बर्तमान एनआरसी कार्यालय सलनी कर एनआरसी कार्यालय परवर्ते सरकारी कार्यालय प्रदान कर এবার দিসপুর দখলৰ দাবী আজমলৰ মহাজোঁটে 74খন আসনত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী ভৱানীপুৰৰ প্ৰচাৰ চলাই মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফনী তালুকদাৰৰ জয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰে এআইডিএফ প্ৰধান গৰাকী আমার অনিষ্ট আছে অনিষ্ট পাবো।
আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবৰ, ড্রাই ডেৰ সময়তে শিৱসাগৰত বিলাতী হুৰা উদ্ধাৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰাইজে ভাঙিলে বিলাতী হুৰা কঢ়িওৱা বাহন। শিৱসাগৰ আমগুৰি দুপদৰ লোনপুৰীয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভোটাৰৰ মাজত হুৰা বিলাবলৈ অনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এখন চাৰিচকীয়া বাহনত উদ্ধাৰ 6 কাৰ্টন বিলাতী হুৰা। বাহনখনত উদ্ধাৰ অগপ দলৰ পতাকা। আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জব্দ কৰি স্থানীয় নামটি থানালৈ লৈ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত। কাছাৰত সন্ধানহীন কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃত 13 বছৰীয়া কিশোৰজন হৈছে সলমান শ্বেখ। কাছাৰৰ অৰুণা বন্দ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বিগত 24 ঘণ্টাত নিখোজ হৈ আছিল এই কিশোৰজন। কিশোৰজনৰ বন্ধুৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মৃতদেহ। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰ কৈছোঁ, এটা সঞ্চালকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃত কিশোৰজন হৈছে সলমান শ্বেখ, বয়স 13 বছৰ। কাছাৰৰ অৰুণা বন্দ চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টা ধৰি এই কিশোৰজন নিখোজ হৈ আছিল আৰু তাৰ পিছতে কিশোৰজনৰ বন্ধুৱে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অলৰেডি ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যিমানবোৰ প্ৰচেছ আছে সকলোবোৰ হাতত লোৱা আছে। ষ্টিফাৰকে ধৰি আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমি ক্ৰেট চাৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কালকুলেটৰ ৰাস্তাত। আৰু আমি 3 জন মানুহ আমি অলৰেডি পিক আপ কৰিছোঁ। এরকম হেলথ সেন্টার রাখি আর এরকম প্রশাসনের মধ্যে আমরা জনগণের মধ্যে আমরা জনগণের লেগে কি কি মানে আমরা কার উপরে ভরসা করবো? আমরা তো প্রশাসন আর সরকারের এর মধ্যে তো ভরসা করবো না, কিন্তু এখানে কোনো ধরনের কোনো কিছু না। তিনিচুকীয়া ড্ৰাগছ সহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত লোকজন হৈছে হিজুগুৰি ফাৰুক আহমেদ। জব্দ ড্ৰাগছসহ নগদ 40,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ হিজুগুৰিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিছে। পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ যে তিনিচুকীয়া ড্ৰাগছসহ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু লোকজন হৈছে হিজুগুৰিৰ ফাৰুক আহমেদ। জব্দ হৈছে ড্ৰাগছসহ নগদ 40,000 টকা। তিনিচুকীয়াৰ হিজুগুৰিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই সামগ্ৰীখিনি বা ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিছে। ফোন কৰিছিলে মানে, ফোন কৰি ক'লে বস্তু এটা আহিব, লোক মানুহ এজন আহি আছে কাকোপথাৰ পৰা, তেওঁক দি দিব লাগে। বস্তু দিয়া টাইমত মানে লৈ কিনে দিয়া টাইমতে মানে সেতি আহি কিনে কৈছে বোলে তোমাৰ ওচৰত আৰ্মছ আছে নেকি। মানে সেতি মানে বস্তু মানে ধৰিব আহিছিলে মোৰ আৰ্মছ, যিটো সেইটো লাইটাৰ হয়, সেইটো কাৰণে মোক সেইটো ধৰিছে। আৰু 30-40 হাজাৰমান কেছ আৰু কি কয় কিবা লগতো দিবা দিবা দি এটা দিব কৈছিলে ডাবা এটা, সেইটো পাইছে। কি আছিলে ডাবাটোত? ডাবাটোত মই গম নাপাওঁ, গম নাপায়। তেখেতৰ পৰা আমি কেছ 40,000 আৰু 12 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ আমি পাইছোঁ তেখেতৰ পৰা। নাই, এইটো তেনেকুৱা নহয়, এইটো কিবা এই অনলাইনত পায় যে লাইটাৰ টাইপ, এইটো তেওঁ ইয়াতে লৈছিলে, এজন মানুহ তেওঁক দি যোৱা বুলি কৈছে, আমি এইটো তদন্ত কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰশাসনৰ বাধা ওফৰাই সোণাৰীত এ জে ৱাই চি পিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কা বিৰোধিতাৰে উত্তাল হ'ল সোণাৰী। বিশাল সমদলৰ কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাইৰ নেতৃত্বত সোণাৰীত বাহিৰ কৰিলে বাইক ৰেলী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰশাসনৰ বাধা ওফৰাই সোণাৰীত এ জে ৱাই চি পিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। কা বিৰোধিতাৰে উত্তাল হ'ল সোণাৰী। বিশাল সমদল কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাইৰ নেতৃত্বত সোণাৰীত বাহিৰ কৰিলে বাইক ৰেলী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। সেই নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিধিৰ লগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বা আন আন যিবিলাক আমি অৰাজনৈতিক সংগঠন আছোঁ সেই সংগঠনসমূহৰ লগত কোনোতো ইয়াৰ সম্পৰ্ক নাই। অঁ, আমি যদি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভাইলেট কৰিলোহেঁতেন, আমি যদি শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে বন্ধ কৰিব পাৰি। এটা কথা ঠিক যে চৰকাৰখনৰ যিটো ফেচিবাদ সেইটো স্পষ্ট হৈছে। চৰকাৰখনে ভয় খাইছে, এইকাৰণে ভয় খাইছে আমাৰ যিবিলাক মতামতটো জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈকে গুচি যাব নেকি, সেই কথাটোতে আটাইতকৈ ভয় খাইছে। গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে এই চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ।
গীতে মাতে নির্বাচনী প্রচার অব্যাহত আছে জাকিরুদত। পীয়ূষ হাজরিকা আইমী বৰুৱাৰ পিছত এবাৰ নাচি বাগিয়ে নির্বাচনী প্রচাৰ চলালে কংগ্রেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী স্বপন কুমাৰ মণ্ডলে। বুধবাৰে জাকিৰুদ সমষ্টিৰ বুৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত এখন নির্বাচনী সভাত কণ্ঠশিল্পী টানা দেৱৰাজৰ গীতৰ তালে তালে নাচিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ। ऐसा नहीं है, सब राज्य हमारे लिए अहम है। बंगाल में चूंकि सीटों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा आना पड़ता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी प्रचार बंगाल में कर रहे हैं, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर, क्योंकि आपने कहा भी था पहले जब 2017 में यूपी का इलेक्शन जीत के आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य, स्वर्णिम काल तभी आएगा जब आप केरल में बंगाल में आप लोग सरकार बनाएंगे, इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर 400 सीट है जी, आसाम की सीटों की संख्या, तमिलनाडु में हम 20 सीटों पर लड़ रहे हैं और केरल की सीटों की संख्या का योग मिला दो तो 400 भी नहीं होता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा आना बनता है। घोषणा पत्र में आपने बोला कि आप सोनार बांग्ला की बात करेंगे, हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि इस बार खेला होबे, उनको चोट भी लगी हुई है, वो कहती है खेला होबे खेला होबे। चले, उनको खेला होबे करने दीजिए, मोदी जी ने कहा है विकास होबे, अब बंगाल की जनता तय करेगी कि खेला चाहिए या विकास से। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं, क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लैंक है एक? नहीं, देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहां की नागरिकता देंगे। अब 70 साल से किसी ने ये नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मटुआ समाज को सीए का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसा आकलन लगाया जा रहा है, और करीब करीब 70 सीटों पर इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है। असम में आप लोग थोड़ा चुप है, बंगाल में थोड़ा ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। असम में भी चुप नहीं है, असम में किसी ने विरोध नहीं करा था, वहां की सरकार ने विरोध नहीं करा, यहाँ की सरकार ने इसका निंदा प्रस्ताव किया था, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है। महिला वोटों पर आपकी वोट बैंक पर एक नजर है, आपने बोला है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन जी आप लोग हम देने वाले आप लोग देंगे, क्या आपको लगता है जो ममता बनर्जी अपना बंगाल की बेटी का पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है उसमें? नहीं, नहीं, ऐसी स्थिति ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन करा है, केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है, पूरे बंगाल में सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में बंगाल की बेटियों को माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी है। आज बंगाल के अंदर जो दारुण गरीबी है उससे कम से कम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ऐसा सब लोग फील करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म देने का हमारा एक प्रयास है। क्या अमित शाह जी, क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप कहते हैं कि घुसपैठ जो है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है क्यों पहले घुसपैठ नहीं रुक रही थी, जो आप गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनेगी तो रुक जाएगी? इसलिए क्योंकि घुसपैठ सिर्फ भारत सरकार से नहीं रुक सकती, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर कोई डीएम सरकारी पॉलिसी के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देता है तो बीएसएफ नहीं रोक सकती, कोई एसपी डिस्ट्रिक्ट का, आप कह रहे हैं स्टेट पैटर्नेज है। हाँ, तो एक इकोसिस्टम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तभी घुसपैठ रुक सकती है। और असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी ने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योधन दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए, वो ममता जी का खुद का निर्णय है, मगर मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है।
जी, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में कुछ नेताओं का हमने देखा कि कई जगह विरोध हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? अमित भाई, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो पार्टी जिंदा होती है वहां आवाज होती है। और एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में अब्हत राखिम, किंतु समय হৈছে সমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মানে জানে নে মাইথন স্ট্রং, মানে মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড। বাতৰি আগবঢ়াইছে সানফ্লিম হোম এপ্লায়েন্স, সকলোৰে প্ৰথম পছন্দ সানফ্লিম, দ্য ক্লিয়াৰ চইচ। সুন্দৰ